बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो आपदा काल में गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। विकास भवन में समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल बंद ना रखें, साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने का प्रयास करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को मदद करने में तकनीकी दिक्कत का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल, SDM मोनिका तथा आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल ने बागेश्वर में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी प्रभारी मंत्री को दी है। बैठक में कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, अपर जिलाधिकारी CS इमलाल, CDO RC तिवारी आदि मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को कि वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीजन अब शुरू होगा और आज उसी पर हमने मीटिंग रखी थी। सारा हमको आज इन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। आज बागेश्वर ज़िले में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे बहुत कहीं आपदा की स्थिति बनी हुई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है लेकिन उसको साफ़ कर दिया जा रहा है JCB से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सक्रियता है वो कम ना हो और लगातार जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, कपकोट एक ऐसा ब्लॉक है हमारा जो हमेशा आपदा से ग्रस्त रहता है, तो एक्स्ट्रा फोकस कपकोट पे रखे और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करी जाए। ये ना हो कि आपदा आ जा रही है और 15 दिन बाद उनको रिलीफ मिल रही है, तो एक ऐसी टीम, 3 मेंबर टीम गठित करिए जो लगातार पब्लिक के बीच में भी रहे, इंस्टेंट उनको रिलीफ मिले। और दूसरा, जितने भी नंबर जिन्होंने आपदा कंट्रोल रूम के या हमारे अधिकारियों के प्रकाशित किए हैं वो हमेशा स्विच ऑन रहने चाहिए, पब्लिक को जब भी पब्लिक उस पर फ़ोन करें उनको रिस्पॉन्स मिले। एक कोशिश है कि जो हमारे ज़िला है वो आपदा से कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत ज़्यादा ना हो पाए और जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी और उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। कि अगर कोई चीज़ आज कम पैसे में रिपेयर हो सकती है और उसको अधिकारी के नेग्लिजेंस की वजह से वो नहीं रिपेयर हुई और उसमें बड़ी क्षति होती है और बाद में उसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो मैंने DM को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी विभाग इस तरीके का नेग्लिजेंट एटीट्यूड के साथ काम करेगा उस विभाग से उस एक्स्ट्रा पैसा जो लग रहा है उसकी रिकवरी विभाग से कराई जाए, ताकि सरकार का पैसा वो उन अधिकारियों से करवाई जाए ताकि उस सरकार का पैसा प्रभावित ना हो। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अधिकारी गंभीर नहीं है। आज बागेश्वर जिले पूरे अगर आप जिले की बात करेंगे बागेश्वर जिले की, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आज ऐसी उत्पन्न नहीं हुई है जिसको हम ये कह सकें कि अधिकारी ने अपना काम ठीक नहीं किया या अधिकारी तत्पर नहीं रहे या अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ पर लैक्सिटी दिखाई गई है। हाँ, लेकिन ज़रूर जो अधिकारी अगर आपदा के समय पर भी सीरियसनेस नहीं दिखा रहा या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। CTN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।